अभी अपना स्पानिंग सेट, जनक समुच्चय, इसके डिफाइन ध्यान से देखना कि वेक्टर्स का सेट कौन है। वेक्टर्स का सेट ए, क्लियर। और बी क्या है? सबसेट है ए का। तो बी जो है ए का स्पानिंग सेट कहलाता है। कब? इफ ए का एवरी वेक्टर बी के वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सकता। तो ये क्या होगा? सेट बी, सेट बी जो है सेट ए का स्पानिंग सेट कहलाता है। जरा समझ, इफ ए का एवरी वेक्टर बी के वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में, एलसी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्लियर। तो सेट बी सेट ए का स्पानिंग सेट कहलाता है। कब? ए का एवरी वेक्टर बी के वेक्टर के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बी ले लिया ए वन ए टू ए थ्री, किसका सबसेट है? ए का। और ए क्या है? ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। तो ए का एवरी वेक्टर इन वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर ऑल मैं ए लिख रही हूं, इस ए का मतलब क्या है? वो ए वन भी हो सकता है, ए टू भी हो सकता है, ए थ्री भी हो सकता है, ए फोर भी हो सकता है, ए फाइव भी हो सकता है। इन सभी को जनरल फॉर्म में मैंने ए लिख दिया, फॉर ऑल लगा दिया, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट लें। और ये जो अपन क्या है इन वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये लैम्डा वन ए वन, लैम्डा टू ए टू, लैम्डा थ्री ए थ्री। वेयर लैम्डा और लैम्डा थ्री क्या है? आर स्केलर्स। क्लियर। तो अगर अपन ऐसी फॉर्म लिख सकते हैं तो ये ध्यान रखना ए का एवरी वेक्टर बी के वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब सेट बी ए का क्या कहलाता है? स्पानिंग सेट कहलाता है ना। जनक समुच्चय हो जाएगा। बेसिस सेट यानी आधार समुच्चय, इफ बी सबसेट है ई की पावर एन, ई की पावर एन यानी यूक्लिडियन स्पेस, एन वेक्टर्स का यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? उसके जो वेक्टर्स हैं वेक्टर एडिशन को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, डॉट प्रोडक्ट को, इन रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो स्पेस क्या कहलाता है? यूक्लिडियन स्पेस। तो अगर बी सबसेट है इरेस्ट पावर एन का, इरेस्ट पावर एन क्या है? यूक्लिडियन स्पेस। क्लियर। तो बी सबसेट है इरेस्ट पावर एन का, तो सेट बी इज बेसिस ऑफ इरेस्ट पावर एन इफ, फर्स्ट कंडीशन बी क्या होना चाहिए? एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जितने वेक्टर्स से उतने स्केलर, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का सम जीरो है, तो सारे के सारे स्केलर्स के होने चाहिए जीरो। तो बी एल आई होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन बी इक्वल्स टू एल ई रेस्ट पावर एल, ये किसकी कंडीशन है? अपन ने स्पानिंग सेट पढ़ा, बी इज स्पानिंग सेट किसका? इरेस्ट पावर एन का। क्लियर। तो स्पानिंग सेट का ये नोटेशन होता है, ये एल का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ई की पावर एन, ये यानी ई की पावर एन का एवरी वेक्टर बी के वेक्टर के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सके। एल का मतलब एलसी,
लीनियर कॉम्बिनेशन, तो e की पावर n का एवरी वेक्टर जो है b के वेक्टर्स के एलसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब अपन बोलेंगे b इज स्पानिंग सेट ऑफ e रेस्ट टू पावर n। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि b li है, क्लियर, और e की पावर n किसके इक्वल है, lb, यानी b इज स्पानिंग सेट ऑफ e रेस्ट टू पावर n है, तब अपन क्या बोलेंगे इसमें कंडीशन b क्या कहलाएगा, बेस, किसका, e रेस्ट टू पावर n। तो बेसिस होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिस सेट था, बेसिक सॉल्यूशन यानी आधारित हल, लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी में कितने वेरिएबल्स हैं, एन, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, एन, ज्यादा क्या है वेरिएबल, जैसे अपन ने लिया था ये 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई, 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 3, ये वो कॉन्सेप्ट, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है। तो अगर ax इक्वल्स टू b में n वेरिएबल्स है और m इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा, क्लियर, का एक सिस्टम है, तब n माइनस m वेरिएबल्स को अपन क्या रखते हैं, जीरो मानकर, सिस्टम का बेसिक सॉल्यूशन, जो अपन n माइनस m वेरिएबल को जीरो मानेंगे तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन आएगा उसका बेसिक सॉल्यूशन होता है, कब, इफ नॉन जीरो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, कि ये मैंने मान लो जैसे क्या ले ली, दो इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 वेरिएबल को 0 मानेंगे, क्लियर, कैसे हो सकता है, मैंने एक बार x1 0 माना तो क्या आ जाएगा, 3x2 प्लस 4x3 0, ये आ जाएगा, क्लियर, फिर इनसे बने जो अपने नॉन जीरो को वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट, यानी 3, 4, 4, 5, क्या ये डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, क्लियर, नहीं आ रहा, तो अपन ने x1 को जीरो रखा, ध्यान से समझना, x1 को जीरो रखा, ये दिया, फिर अपने जो नॉन जीरो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट देखे, वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो अपने वैल्यू आएगी x1 की तो वैल्यू जीरो, मान लो इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, x2 x3 भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वैसे कुछ और आना चाहिए, मैं यहाँ ले लू, नॉन जीरो ही आएगी x2 x3, मान लो ये आ जाए x2 x3, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बेसिक सॉल्यूशन, क्लियर, जीरो नहीं आना चाहिए, अपन क्या बोल रहे हैं कि n वेरिएबल्स और m इक्वेशन का एक सिस्टम है, तब n माइनस m वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, जीरो मानकर सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा, वो उसका एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, कब, इफ नॉन जीरो वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है वो कैसे आने चाहिए, नॉन जीरो, उनके कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, क्लियर, एक बार मैं x1 को जीरो रखूंगी, दूसरी बार x2 को जीरो रखूंगी, तीसरी बार x3 को जीरो रखूंगी, तो ऐसे कितने बेसिक सॉल्यूशन आ सकते हैं, 3, तो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, कितनी इक्वेशन ले रहे हैं अपन, 2, 3c2, क्या आ जाएगी कंडीशन, फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो क्या आ गया, 3 बेसिक सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्लियर, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, क्लियर, तो क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन को जीरो रखे, क्लियर, जो नॉन जीरो वेरिएबल आ रहे हैं उनसे मैंने डिटरमिनेंट को चेक करेंगे, अगर वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है उसका, बेसिक सॉल्यूशन, ऐसे इसके एग्जांपल से आगे, क्लियर, ये बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन, फिर इस सॉल्यूशन में एम वेरिएबल तो क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल, क्योंकि अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, 3, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है,
थ्री, और इक्वेशन टू है तो थ्री माइनस टू एक वेरिएबल को जरूरत है, बाकी बचे कितने हैं दो, तो वो दो दो वाले कंडीशन क्या कहलाएंगे अपने बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो m वेरिएबल्स तो कैसे होंगे बेसिक, और n माइनस m जिनको अपन ने जीरो रखा है वो कैसे होंगे नॉन बेसिक। तो जो नॉन जीरो वाले हैं वो बेसिक, और जो जीरो वाले हैं जैसे ये आया था ये कौन से होंगे बेसिक, बेसिक वेरिएबल्स, और ये वाला कैसा होगा नॉन बेसिक। फिर बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट से बने वेक्टर्स बेसिक वेक्टर्स कहलाते हैं। बेसिक वेरिएबल यानी अपन ने इसको जीरो रखा, अब इससे क्या आ रहे हैं थ्री फोर फोर फाइव, ये क्या कहलाएंगे बेसिक वेक्टर्स कहलाएंगे, जो ऑलवेज कैसे होते हैं एल आई। तो बेसिक वेक्टर्स हमेशा क्या हो जाएंगे एल आई होते। इफ बेसिक वेरिएबल्स का सेट कैसा है बी है, बेसिक वेरिएबल का सेट अपन ने बी ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग सिस्टम का सॉल्यूशन कौन है एक्स बी, तो वो कैसे निकालेंगे बी एक्स बी किसके इक्वल होगा बी के, यानी एक्स बी क्या हो जाएगा बी इनवर्स बी, यानी अपने को सॉल्यूशन किससे निकालेंगे इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर, एक्स बी कौन है बेसिक वेरिएबल का वेक्टर से, और जो मैंने ये फॉर्मूला बताया मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं एन सी एम, ये 3C2। मेन डेफिनेशन आ रही है बेसिक सॉल्यूशन की यहीं तक लिखनी है, क्लियर, ये आगे मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसका, क्लियर, बाकी डिफाइन पूछते हैं यहीं तक आएगी। अब ये दो डेफिनेशन है ध्यान से समझना, जैसे अपन ने ये वैल्यू जीरो ये फाइव सिक्स है ये एक बेसिक सॉल्यूशन, ये यूं भी आ सकता है ये भी बेसिक सॉल्यूशन आ गया, क्लियर, या तीनों जीरो आ गए वो भी बेसिक सॉल्यूशन हो जाए, अपने डिटरमिनेंट ऑन जीरो आना चाहिए है ना, तीनों अगर आ गए ये भी बेसिक सॉल्यूशन हो सकता। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं नॉन डिजनरेट यानी अनअब्रस्ट, ये डेफिनेशन पूछते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन में। तो नॉन डिजनरेट क्या होगा, इफ किसी बेसिक सॉल्यूशन में एवरी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो, ये वाला होगा नॉन बेसिक वेरिएबल, ये कैसा होगा बेसिक वेरिएबल। तो ये बोल रहा है अगर बेसिक वेरिएबल की किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं हो, एवरी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो नॉन जीरो, जीरो नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे नॉन डिजनरेट। तो ये बेसिक सॉल्यूशन तो है बट किस तरह का होगा नॉन डिजनरेट, कि बेसिक ये जो अपने नॉन बेसिक वेरिएबल है इसके अलावा कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए। फिर है डिजनरेट यानी अपब्रस्ट, अपब्रस्ट में क्या होगा इफ किसी बेसिक सॉल्यूशन में किसी भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, कोई सा भी बेसिक वेरिएबल है इसकी जगह जीरो आ जाए ये दोनों जीरो आ जाए तो ये क्या कहलाता है उसे डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर, ये टू डिफाइन है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BFS, यानी आधारी भी हो, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब आधारी हल, फिजिबल का मतलब सुसंगत। तो किसी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन, किसी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन भी हो, किसी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन भी है, फिजिबल सॉल्यूशन जो है अपने बेसिक सॉल्यूशन या किसी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन जो है बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है इफ वह बेसिक सॉल्यूशन भी हो, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो होगा LPP का वो फिजिबल भी होना चाहिए बेसिक भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल कौन सा होता है LPP वन लेते हैं जैसे मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन, जेड इक्वल्स टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये अपन ने ले लिया ax इक्वल्स टू बी एंड x ग्रेटर देन इक्वल जीरो,
जो इनको सेटिस्फाई करता है वो फिजिबल, और जो जेड को सेटिस्फाई करता है वो ऑप्टिमल। तो अपन बोल रहे हैं अगर किसी एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब वो किसी एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, कब वो बेसिक सॉल्यूशन भी हो।